नमस्कार, कंचन टीवी की टीम पहुंची है सफेद दोगे आर्य भवन में, जहां पर बच्चन सिंह आर्य का 64वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे कार्यकर्ता यहां पर जुटे हैं और खूब सारा जोश है। आइए, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम बात करते हैं स्वयं बच्चन सिंह आर्य जी से। आर्य जी, पहले तो हम जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहेंगे। धन्यवाद। जानना चाहेंगे, जन्मदिन उपलक्ष्य में आपने कार्यक्रम आयोजित किया है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन किया है, पूरा कार्यकर्ता जुड़े हैं यहाँ पर, एक काफ़ी बड़ा जनसमूह यहाँ पर आया, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि मैंने ये जन्मदिन मैंने नहीं मनाया है जी। ये पहली तारीख को शहर के और मंडी के कुछ विशेष कार्यकर्ता सैकड़ों थे, उन्होंने मेरे बगैर ही फैसला ले लिया कि हम अपने साथी का, अपने भाई का, आर्य जी का जो 28 वर्ष से लगातार हमारे बीच में है, तो उनका जन्मदिन मनाएंगे। तो मेरे को तो बताया भी नहीं, ये जन्मदिन मेरे साथी मना रहे हैं जो 28 साल से मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उन्होंने कमेटी बनाई, आदरणीय राजकुमार प्रधान जी हमारे व्यापार मंडल के, उनके अध्यक्षता में, और सभी साथी मिल करके ये मना रहे हैं। दूसरी बात शक्ति प्रदर्शन की, मैं ये कोई राजनीतिक ढंग से मना नहीं रहा हूँ, ना मैंने किसी राजनीतिक नेता को इसमें निमंत्रण दिया है। अपनी मर्जी से बहुत से मुबारकबाद आए हैं, बहुत से ऐसे हैं कि दूसरे पार्टियों के लोग भी मेरे को मुबारकबाद दे कर गए। सुबह यज पर भी बैठे थे, कई भाई थे जो इनेलो के थे, कई भाई थे जो बीजेपी के थे, कई दूसरी पार्टियों के भी थे। वो सद्भावना के रूप में मैं ये जन्मदिन मना रहा हूँ और मैं यहाँ कोई राजनीतिक बात भी नहीं कर रहा हूँ। ये तो कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, वो अलग बात है कि हज़ारों की संख्या में सुबह 8 बजे से लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। आपने ठीक कहा कि हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे और जा रहे हैं, ये तो लोगों का प्यार है कि मेरी कोई और भी लंबी आयु कर रहे हैं, मैं इनकी लंबी आयु कर रहा हूँ। और खाली ये मेरा जन्म नहीं, ये मेरे चाहने वाले जो 40,000 के करीब जो मेरे साथी हैं, ये उन सभी का जन्मदिन है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र सफेदों के लोगों का जो लगातार 28 साल से मैंने पूरी जवानी यहाँ पर लगाई है, चाहे कोई मेरा वोटर या मेरा वोटर नहीं है, मैं इस जन्मदिन के अवसर पर सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। परमात्मा सबके घरों में तरक्की हो, सबकी लंबी आयु हो, सब धन्य धान से भरपूर हो। ये तो इनका प्यार है कि कई हज़ार की संख्या में भीड़ उमड़ रही है, आप देख ही रहे हो, और आपने भी इसको प्रदर्शित किया। इसके लिए मैं आपका, आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद। कंचन टीवी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो सच्चाई को समझ रहे हैं, और सुबह से आने जाने में लोगों का जो कई हज़ार की संख्या में तांता लगा हुआ है, तो उन सब को आप देख रहे हो, आपका धन्यवाद। कार्यकर्ता आपके लिए फूल लेके आ रहे हैं, गिफ्ट लेके आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्हीं के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि जितनी शुभकामनाएं वो मेरे को दे रहे हैं, मैं उनसे भी ज़्यादा परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके घरों में भी सुख शांति और आनंद रहे, धन धान्य से भरपूर हो। कोई भी साथी जो मेरे प्रति भाव रखते हैं, किसी के प्रति भी कोई अच्छे भाव रखते हैं, तो उन अच्छे भाव रखने वालों को परमात्मा अपने गले से लगा करके रखना। परमात्मा ये भाव ही है कि उनमें सुख शांति दे और धन धान्य से भरपूर हो, मैं तो यही दे सकता हूँ कि। और मैं इनके लिए 24 घंटे सेवा पर हाजिर हूँ, लगातार हूँ, जब तक जीवन है, जब तक अपनों के लिए जीऊँगा, अपनों के लिए मरूँगा। अगर मेरे कार्यकर्ता के लिए मुझे अपने जीवन की भी आहुति देनी पड़े, तो मैं 24 घंटे आहुति देने के लिए तैयार हूँ मैं इसके लिए। ये तो बात हुई कार्यकर्ताओं की, अब जानना चाहूँगा आपके विरोधी भी, जैसे आपने बताया हवन पर थे, तो क्या विरोधियों की तरफ से भी कोई गिफ्ट आप? जब आर्य सदन के अंदर आए तो विरोधी रहता ही नहीं, मेरा विरोधी है नहीं। जब मेरे को शुभकामनाएं, और सच्ची बात ये, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, ना मैं किसी को मानता हूँ। जो अपनी सोच के मुताबिक अगर कोई मुझे विरोधी मानते होंगे, तो वो उनकी सोच है। मैं प्रभु से खुशी के अवसर पर प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा उनको भी सद्बुद्धि दे और वो भी तनाव मुक्त होकर के जीवन जिए, सुख शांति से जीवन जिए, लोगों के उपकार के लिए जिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख देखवातु सुख देखवातु। मैं वेद के मंत्र से इस बात को आपके पूर्ण करता हूँ कि परमात्मा सबके घरों में सुख शांति। धन्यवाद, आपने प्रसाद लिए बगैर नहीं जाना। थैंक यू।
तो देखा आपने बच्चन सिंह आर्य अपने चिर परिचित अंदाज में विरोधी योग को विरोधी नहीं मानते। वो कहते हैं कि आर्य सदन के दहलीज जो पार करके आता है वो विरोधी कहाँ रह गया, वो तो अपना है। और अच्छी बात भी है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक अच्छा जमावड़ा, पूरे हल्के में अच्छी इनकी पैठ है और एक जमावड़ा यहाँ पर लोगों का हुजूम आप देख रहे हैं। हर धर्म हर जाति के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि उनकी आस्था है बच्चन सिंह आर्य में और वो बच्चन सिंह जी के लिए फूल लेके आए हैं, गिफ्ट लेके आए और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं क्योंकि वो अब भी चाहे वो 64 साल की उम्र पार कर चुके हैं अब भी उनमें राजनीति कूट कूट कर भरी है और अब भी उनमें काफ़ी आग बाकी है और हो सकता है कि आने वाले समय में भी सक्रिय राजनीति में वो रहे। भले ही ये कहा जाता है कि उनका अगला जो वारिस हैं वो अशोक आर्य जी वो तैयार हो चुके हैं, वो भी सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं, लेकिन हम कहेंगे कि बच्चन सिंह आर्य का टाइम अभी चल रहा है और एक लंबा अरसा वो बिताएंगे राजनीति में। तो बने रहिए कंचन टीवी के साथ, कैमरा सहयोगी संजय के साथ मैं यशपाल कंचन।